नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो देश की आवाज में हम रोजाना ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो सीधा आपसे जुड़े होते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको देता है आपकी आवाज बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। तो देश की आवाज में आज हम बहुत अहम सवाल लेकर आए हैं। कल गोहाना से खबर आई थी जहां पर सरकारी अस्पताल में एक महिला ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और नवजात की मौत हो गई। इसके अलावा गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। एक और प्राइवेट अस्पतालों ने पथरी के इलाज के लिए 17 लाख रुपए का बिल वसूला है और मरीज की जान तक नहीं बच पाई। ये पहला मौका नहीं है जब सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और अव्यवस्थाओं की भरमार देखने को मिली हो। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में किस तरीके से लूट होती है ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैली हैं और प्राइवेट अस्पताल लूटने में लगे हुए हैं तो आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। तो फिर से कई सवाल आपके सामने लेकर मैं नेहा हाजिर हूं देश की आवाज आपके अपने प्रोग्राम में, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आज के मुद्दे को देखते हुए आपकी क्या कुछ राय है। तो तमाम सवाल लेकर हाजिर हूं कि गोहाना के सरकारी अस्पताल में बाथरूम में बच्चे का जन्म होता है, नवजात की मौत हो जाती है, अस्पताल की लापरवाही सामने आती है और इसी लापरवाही के चलते ही नवजात की मौत हुई। वहीं गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल ने भी 17 लाख रुपए का बिल थमाया है, पथरी के इलाज के बदले 17 लाख का बिल थमाया और उसके बाद भी मरीज की मौत हो जाती है। गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर भी लापरवाही का आरोप लगा है और सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है। प्राइवेट अस्पतालों में भी लूट चल रही है और इस अव्यवस्था और लूट के बीच गरीब आदमी आखिर क्या करे, जाए तो जाए कहां, क्योंकि इलाज के लिए वो जिस भी हॉस्पिटल में चला जाए, प्राइवेट में चला जाए, सरकारी में चला जाए, कहीं पर लूट मची है, कहीं पर अव्यवस्था फैली हुई है। तो इसी के साथ पहले कॉलर हिमाचल के मंडी से दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरी राय ये है कि ये जो सरकारी अस्पताल है और जो गोहाना की जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली है समाज को। और रही बात ये कुछ दिन पहले, अब बताओ आप टॉयलेट में ही वो जो है उन बच्चे को जन्म दिया और साथ ही कुछ दिन पहले भी जो है अस्पताल के बाहर जो है एक बच्चे को जन्म दिया, तो क्या कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल? वो जी गरीबों के लिए तो कोई सुनते नहीं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में। और रही प्राइवेट अस्पताल की बात, मैम कई बात तो ये होता है कि इन्होंने सरेआम लूट इन्होंने कंगाल करके रख दिया है लोगों को, गरीबों को। और रही बात कई बार जो है जैसे अस्पताल में डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी बताते नहीं है, 3-4 दिन लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है मैम। बिल्कुल, बहुत ही दुखद बात है। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है, आम जनता है, जब बीमार होती है तो अस्पताल का रुख करती है, कोई प्राइवेट अस्पताल में जाता है, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन दोनों अगर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें तो लापरवाही का मंजर सभी के सामने है। गरीब इंसान आखिर जाए तो जाए कहां, सरकार कहां सोई हुई है, क्यों अभी तक जागी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम में ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल पर इस तरीके का लापरवाही का कोई आरोप लगा है, 17 लाख का बिल थमा दिया जाता है, उसके बाद भी मरीज की जान नहीं बच पाती, तो आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप भी बीमार होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं और इस तरीके की लापरवाहियां आपके सामने भी आती होंगी, तो आप इस तरीके की लापरवाही को देखते हुए क्या सोचते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। फोन निकालिए, कॉल कीजिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, तमाम सवाल आपके सामने हैं, क्योंकि देश की आवाज में सीधा आपसे सरोकार हम करते हैं और आपकी राय हम जानते हैं। तो अगले कॉलर महेंद्रगढ़ से सतेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए ये सरकार कहती है कि स्वास्थ्य के लिए अरबों रुपए बजट के अंदर पास करती है कि भैया सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं उनको ठीक करेंगे। हाँ। और अच्छे डॉक्टर लेके आएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हाँ। क्योंकि लोग प्राइवेट में इसलिए जाते कि उनको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ पे इलाज आराम से हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई करिश्मा नहीं होता है। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि
क्या बोलते हैं उसको, बाथरूम के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई देखरेख वाला, कोई जिम्मेवारी का कोई काम नहीं है, किसी कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी घटना हो जाती है तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, कितने भी पैसे खर्च देते हैं फिर भी रिजल्ट वही रहता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने मर्जी पैसे खर्च दिए जाए उसके बाद भी लापरवाही का मंजर सभी के सामने है, और किस तरीके से ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कोई पहला मामला ये सामने नहीं आया है। और गुरुग्राम में जिस तरीके से अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है, उसके बाद लापरवाही को माना भी नहीं जाता, और किस तरीके से इसमें सुधार किया जाए इसे लेकर अभी तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो तमाम चीज़ें सामने हैं, तमाम तरह की अव्यवस्थाएँ सामने हैं, क्योंकि हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, जिसकी गुंजाइश नहीं है वो सरकारी अस्पतालों का रुख करता है। लेकिन दोनों तरफ सिर्फ मायूसी हमेशा जनता को हाथ लगती है, क्योंकि लापरवाही सामने आती है आए दिन, और इससे कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है उसके मन में एक डर है, एक भय है, क्योंकि अब अस्पतालों का रुख करते हुए हर कोई डरता है, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं हर किसी के मन में डर बना हुआ है। तो क्या आपके मन में भी अस्पतालों को लेकर डर बना हुआ है? गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। पथरी के लिए एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, 17 लाख रुपए का बिल उसके परिजनों को थमा दिया जाता है, बावजूद इसके मरीज की जान नहीं बच पाती। तो सवाल यहां पर यही उठते हैं कि इतना पैसा बहाने के बाद पानी की तरह मरीज के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, उसके बाद भी मरीज की जान नहीं बच पाती, तो किस पर सवाल खड़े किए जाए? लापरवाही का ये जो आरोप अस्पतालों पर लग रहा है, आखिर कब तक इस तरीके की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती रहेंगी? इसके साथ अगले कॉलर कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये गरीब आदमी मजबूरी में ही उस सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, पहला केस नहीं है ये, कई इससे पहले भी काफी केस हो चुके हैं। सरकार वायदा तो बहुत करती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल में ये जो इलाज करते हैं ये थोड़े से पैसे के पीछे, इलाज के पीछे उनके मन तो काले हैं, लेकिन कोर्ट तो काले हैं, कोर्ट तो सफेद मन इनके कर ले, थोड़े से पैसे के लालच में ये अपना वो करते हैं, वो जब तो सरकार दाय तो बहुत कर। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये जो लापरवाही का मुद्दा लगातार उठ रहा है अस्पतालों को लेकर, चाहे सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट अस्पतालों की लूटमार है, क्योंकि लूट एक तरीके से कह सकते हैं कि मचाई हुई है, पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, उसके बाद भी मरीज जो है या तो ठीक नहीं हो पाता या मरीज की मौत हो जाती है, तो कई तरीके कि लापरवाहियां जो है वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ अगले कॉलर भिवानी से बंसीलाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो ये सोचनी होगी जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है किन लोगों के, ये राजनीति से संरक्षित लोगों के हैं, इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं का इनके शेयर है, इनको पूरी छूट है कि आम जनता इनमें आए उसको लूटो और मारो। मैं 27 जून 2017 की घटना बताऊंगा। हमसे इन्होंने 7 लाख रुपए लिए और पैसे के लिए मेरे जवान भाई को मार दिया। प्रधानमंत्री के पास मैंने लिखा, हरियाणा सरकार के पास मैंने लिखा, क्या बिगड़े उसमें जनता का, क्योंकि संपन्न लोगों का हॉस्पिटल है, जनता नहीं है मरी जाएगी, परंतु जनता दबेगी, एक दिन इनको मारेगी और कोई रास्ता नहीं है। लूट खस के ये अस्पताल है, गरीब आदमी तो इनमें जाकर देख भी नहीं सकता, वो दशा है जो आदमी उसकी सैया पर है, अपनी जमीन बेच के ना इन डॉक्टरों की पैसे देता है, और ये पैसे के लिए जान भी लेते हैं। बिल्कुल, पैसे के लिए जान भी ले ली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि बेहद संजीदा ये मुद्दा है। कोई भी अपनी खुशी से अस्पताल नहीं जाता, बीमारी के बाद अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और अपनी गुंजाइश के हिसाब से ही लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कितनी बड़ी लापरवाही जो है जब लोगों के सामने आती है तो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर यमुनानगर से जगदीश कुमार काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम ये तो हर जगह हमारे इंडिया में जो है ना लापरवाही है,
कि अब जैसे कोई यात्री भी अगर कहीं जा रहा है मान लो रस्ते में और उसको कोई चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो कोई भी एम्बुलेंस पहली बार टाइम पे नहीं पहुंचती, और अगर पहुंच भी जाती है तो वो एम्बुलेंस वहां जाएगी, सरकारी वो इंतजार करेंगे इतनी हाँ। देर में उनके कोई रिश्तेदार भी वहां कोई पहुंचता है, एक घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, तो उसके बावजूद जो है ना वो बिल्कुल भी अनगेल नहीं करते हैं, या तो डॉक्टर अपना खाना खाते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे, और या ड्यूटी पूरी उस इतनी देर में तो उसकी जो है ना जो रिश्तेदार पहुंचते हैं वहां पर तो उसकी मरीज की मौत हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल भी इंसानियत है ही नहीं है बिल्कुल भी, और गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रही है बिल्कुल भी। बिल्कुल, चले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अगले कॉलर गुरुग्राम से देशराज चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैं सीनियर सिटीजन 77 इयर्स ओल्ड जी, ये देखिए कि जब तक इनका सरकारी अस्पताल गुड़गांव में एक है उसकी भी हालत इतनी खराब है कि उसकी बिल्डिंग गिरने को है, पहले लिपापोती की थी, उसके बाद में भी वो क्या हुआ बिल बना दिए, फिर कह दिया रिपेयर की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्डिंग एज इट इज रहेगी। हाँ। अब वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर मिलते ही नहीं मैम, वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में एक्सरे के का होते ये कह देते है पैसा दे हो तो है, अभी तो वेटिंग लिस्ट में आपका 15वां नंबर है। हाँ। अब आदमी को जिसको दर्द है वो कहाँ तक, बिल्कुल बड़ी समस्या है ये। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कहीं पर अस्पतालों में डॉक्टर्स ही नहीं हैं, और अगर डॉक्टर हैं तो काफी समय तक मरीज को इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी का, और कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। तो सोचिए जो मरीज बीमारी से जूझ रहा है, बीमार है, उसकी रिपोर्ट अगर इतने लंबे समय बाद आएगी तो क्या कुछ इसका अंजाम सामने आ सकता है। तो लापरवाही लगातार सामने आ रही है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, और कई कई दिन या फिर कहे कि कई कई लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट्स का, डॉक्टर नहीं मिल पाते, और इसके बाद अगर मरीज थक हार कर परेशान होकर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करता है तो वहां पर लंबे चौड़े बिल जो है वो मरीजों को थमा दिए जाते हैं। तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर सवाल भी उठाया जाए तो आखिर किस पर उठाया जाए, क्योंकि अस्पतालों की जो लापरवाही सामने आ रही है उस लापरवाही को मानने को कोई भी तैयार नहीं है, और अगर बात करें सरकार की प्रशासन की तो उस पर किसी तरीके का कोई भी रुख इख्तियार नहीं किया जा रहा। इसी के साथ अगली कॉलर हिमाचल से शिवानी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी मैडम, ये जो सरकारी अस्पताल इतना बड़ा बड़ा बिल बना रहे हैं, ये हमारे सरकारी अस्पतालों में क्यों दवाइयां नहीं मिलती, क्यों हमें प्राइवेट का रुख करना पड़ता है, सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है कि हमारे हाँ। सरकारी अस्पताल जो है वो ठीक बने और हम उसमें इलाज करा पाए, कभी सुविधाएं मिले। सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं डॉक्टर पर्ची लिख के दे देते हैं बड़ा बड़ा बिल बना के, प्राइवेट हॉस्पिटलों से अपना कमीशन सेट कर लेते हैं और हमें वहीं पे जाना पड़ता है, वहीं अपना चेकअप कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड के लिए एक्सरे के लिए हमें वहीं पर ही जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ये हमारे साथ जबरदस्ती की जाती है कि वहीं पर जाके इलाज कराए, वो रिपोर्ट को वैल्यू नहीं करते हैं, मानते नहीं है, किसी भी टेस्ट को करवाने के लिए साथ साथ 60% कमीशन तक दिया जाता है डॉक्टर्स को ही। ये डॉक्टर्स को ही सोचना चाहिए कि वो पढ़ लिख कर आए हैं समाज की सेवा करने के लिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है, डॉक्टर्स की भी लापरवाही सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर दिल्ली से परविंदर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। चलिए आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तमाम सवाल उनके सामने भी हैं, क्योंकि वो भी अस्पतालों का रुख करते होंगे, और इस तरीके की लापरवाहियां जब सामने आती है तो हर किसी के मन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तरफ जब बीमार लोग रुख करते हैं तो उसके बाद भी उन्हें
पर्चियां जो है बनाकर दे दी जाती हैं, दवाइयां उन्हें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर दवाइयां मिलनी चाहिए लेकिन बावजूद इसके दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पाती हैं, प्राइवेट अस्पतालों का रुख उन्हें करना पड़ता है, लंबे चौड़े बिल वहां पर बना के दे दिए जाते हैं। तो आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ, बीमार इंसान जाए तो जाए कहाँ, और गरीब व्यक्ति के साथ किस तरीके की लापरवाहियां जो बरती जा रही हैं अस्पतालों में वो भी एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बावजूद भी सरकार अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, क्यों प्रशासन सख्त नहीं नजर आ रहा है और लापरवाही जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर भी आरोप लगा है, सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लूट चल रही है। तो 17 लाख का बिल थमा दिया जाता है, मृतक के परिजनों को पत्नी के इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है और उसका इलाज भी पूरा नहीं हो पाता, उसकी मौत हो जाती है और इतना लंबा चौड़ा बिल उसके घर वालों को थमा दिया जाता है। अगले कॉलर कैथल से राम कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। बिल देखते हैं डॉक्टर के पास, कोई भी ऐसी कोई सरकार ने गाइडलाइन नहीं दे रखी कि जिसमें ये बाहर लिस्ट लगाएं कि भाई इस चीज का टेस्ट के इतने पैसे और इस चीज के इलाज के इतनी फीस लगेगी जी, कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो डॉक्टर ना कोई बिल थमाते किसी उसको, और सब नंबर दो में ये पैसे लेते हैं और जो टेस्ट वाले कमीशन उनसे कमीशन लेते हैं जिनसे टेस्ट करवाते हैं, और जहां अपनी लैब में टेस्ट करवाते हैं वहां भी टेस्टों की भारी फीस है। हाँ। और डॉक्टर जो दवाई बाहर से लेते हैं जो केमिस्ट की दुकान से, वो भी पर्टिकुलर दुकान कहते हैं भाई इससे दवाई खरीदनी है। हाँ। और उस दवाई में भी कमीशन है, जो प्रिंट रेट है वही दवाई उसी रेट पे मिलेगी जी, और जबकि जेनेटिक दवाइयां हैं वो आधे रेट से या मतलब 50 रुपए प्रिंट है तो 30 रुपए 20 रुपए अदर केमिस्ट से मिल जाती है जी, लेकिन इनके मेडिकल स्टोर पे में वो 50 रुपए प्रिंट है तो 50 रुपए मिलेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि गरीब इंसान को लूटने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। बिहार से कर्ण कुमार गौर अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल ये है कि आप अगर मतलब वहाँ पे इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपको कोई बीमारी हो ना हो लेकिन जांच की एक लंबी लिस्ट जो है आपके सामने पेश कर दी जाती है कि आप फलाना जांच कराइए, ये जांच कराइए, मतलब उसमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ। और उस पैसे के कमीशन से हॉस्पिटल का विकास होता है, डॉक्टरों का विकास होता है। देखिए हमें सही उपचार न देकर भ्रमित किया जाता है कि आप जांच कराइए, जांच का रिपोर्ट आएगा तब कहीं जाकर मतलब उपचार होता है, लेकिन जो हमें तुरंत इलाज मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इस लूप को रोकना चाहते हैं हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको समय दिया अपने चैनल पर इस बात को रखने के लिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है ये आपकी आवाज़ को ही उठाने के लिए है, एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है ताकि आप अपनी आवाज़ को हमारे जरिए सरकार तक पहुंचा पाएं, जो भी आपकी राय है, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस आवाज़ को पहुंचा पाएं। इसी के साथ अगले कॉलर दिल्ली से परविंदर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है ना मेडिकल के अंदर है, सबसे ज्यादा हमें बताऊँ क्या करना चाहिए, ये चीज सबसे बड़ा जो हमारा हल जो ये सोल्व कैसे हो सकता है, इस हिसाब से हो सकता है कि हम लोग जो हम गरीब लोग हैं हम लोगों को ना एकदम महीने का या मेडिकल का एक सिस्टम बनाया जाए। हाँ। और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे ये बेनिफिट मिलेगा हर बंदे के कार्ड बन गया। हाँ। उसको पता है कि मैंने हर महीने कितने पैसे जमा कराने हैं, उसके लिए प्राइवेट हमें हॉस्पिटल दिए जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिए जाए, क्योंकि हर कोई बंदा जैसे हमारी कोई बड़ी बीमारी होती है। हाँ। तो हमारे पास सिर्फ 4 लाख 5 लाख नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, उसके लिए जो मरीज जो रहे मैं भी आपकी बात भी सुन रहा था। हाँ। तो उसके अंदर की जो मेरी थिंकिंग है कि हर बंदे का एक मेडिकल बनाना चाहिए, उसकी जो सैलरी आती है उसके हिसाब से या तो डिडक्टर से, जो बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है मैडम सबसे ज्यादा वहां पे बंदा फंस जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को तो ईएसआई मिल गया, जो प्राइवेट लिमिटेड वालों को भी ईएसआई मिल गया, और जो बंदा लेबर है जिसका अपना काम भी है
वो बंदा मैडम कहाँ जाएगा, उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, कोई सिस्टम जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम सवाल हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है अस्पतालों में बरती जा रही है, और कोई पहला मामला ये नहीं है गुरुग्राम से, कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं। फोर्टिस अस्पताल से मामला सामने आया जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो जाती है, डेंगू बुखार उसे था और उसके परिवार वालों को 15 लाख के करीब का बिल थमा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबे चौड़े बिल वसूले जाते हैं, उसके बावजूद भी मरीज की जान नहीं बच पाती। मरीज जब अस्पताल में जाता है या फिर उसे बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है जो उसकी बीमारी होती है, उसके अलावा कई तरीके के टेस्ट कह दें या कई तरीके की दवाइयाँ उसे लेने के लिए कहा जाता है, तो बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो मरीजों के सामने आती है। बीमारी से वो अलग जूझ रहा होता है, तो तमाम समस्याओं का सामना कह सकते हैं कि बीमार इंसान को करना पड़ता है। और ये जो लापरवाही की जा रही है, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था क्यों फैली हुई है? क्यों मरीजों का जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो सही तरीके से नहीं किया जाता? क्योंकि डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर देते हैं? तो प्राइवेट अस्पतालों की भी अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में ये जो मनमानी चल रही है, मनमानी की जा रही है, गरीबों को लूटा जा रहा है, लंबे चौड़े बिल बनाए जा रहे हैं और मरीज पानी की तरह पैसों को बहा देते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो तमाम सवाल हैं, आप जुड़ सकते हैं, कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आखिर जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो क्या कुछ सोचती है। क्योंकि हर कोई अस्पताल जाता है अपनी गुंजाइश के हिसाब से, कोई सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, कोई प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, और दोनों जगह लापरवाही ही सामने आती है और कोई इसका जिम्मा उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी की जा रही है और सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, कहीं पर मरीजों को वार्ड में जगह नहीं मिल पाती, बेड मरीजों को नहीं मिल पाता और कई तरीके की तमाम समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ता है, उचित तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता और कई बार इस समस्या से परेशान होकर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, भले ही उनकी गुंजाइश ना हो। लेकिन बावजूद इसके भी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, सही तरीके से अटेंड नहीं किया जाता, तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद इतना बिल भरने के बाद भी मरीज की जान नहीं बच पाती, लाखों का बिल थमा दिया जाता है, हज़ारों का बिल थमा दिया जाता है, दवाइयाँ जो हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग मेडिकल शॉप्स में कहा जाता है कि इस दुकान से आप दवाई खरीदिए, इस दुकान से आप दवाई खरीदिए, तो कई तरीके की समस्याएं हैं, लापरवाही कह सकते हैं कि बड़ी है। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और कब सरकार जो है इस बड़ी समस्या की ओर अपना रुख इख्तियार करेगी? तो इस तरीके की तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, गरीब इंसान को पूरे तरीके से लूटा जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए, सरकारी अस्पताल की बात की जाए, तो सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को लूटा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि गरीब इंसान, बीमार इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ और आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।